हेलो स्टूडेंट्स, यार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हर बच्चे की चाहत है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑलरेडी रनिंग में, फेज वन लॉन्च कर दिया गया। काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भैया ये फेज वन का क्या सारा सीन है। 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया। जी हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया। 3 अक्टूबर तक आप फेज वन, फेज टू, फेज थ्री जितने भी सारे फॉर्म होते हैं सारे के सारे फिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि फॉर्म बिल्कुल ठीक से फिल करें। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपनी कैटेगरी का इश्यू आया, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया अपनी कैटेगरी ठीक से फिल नहीं की, बहुत सारे बच्चों ने अपना जो भी एनएस है साइंस एससी वगैरह सर्टिफिकेट नहीं डाले, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी फॉर्म के अंदर, नेम का मिस्टेक है। सो इन सब बातों का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, फॉर्म को बिल्कुल ठीक से फिल करेंगे। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, बेस्ट सीयूईटी गाइडेंस एडमिशन प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। सारी की सारी अपडेट एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाती है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। टिल 3 अक्टूबर 2022 तक जो है आपको सीयूईटी से जो भी आपका जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हो, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री जो भी है, एंड जो भी है सारा का सारा बच्चे जो है लगातार एडमिशन से रिलेटेड क्वारीज कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो टिल 75,000 के आसपास यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिलती है। 90+ यहाँ पे आपको कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इनका क्या सारा सीन है, कौन कौन से कोर्सेज में किस किस जस्ट लाइक मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन का बेसिक क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यार जैसे कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के लिए यार अगर आपको जस्ट लाइक बीएससी या फिर किसी भी कोर्स में मान लो जस्ट लाइक आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, यहाँ पे जैसे बी वोक में एडमिशन लेना है, तो बी वोक के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है एनी 3 सेक्शन एंड जस्ट लाइक 1 सेक्शन प्लस 2 3 सेक्शन, राइट। तो इसके लिए आपको बेसिकली थर्ड हो गए तो 3 जस्ट लाइक डोमेन वगैरह, ठीक है। आपको जो भी बेस्ट अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है, जनरल टेस्ट और जो भी लैंग्वेज है वो तो हो गया, ठीक है, एक एक, ठीक है। फिर आपका जो डोमेन वाला हो गया ना, तो वो जस्ट इसमें अगर स्पेसिफाई है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो भी बेस्ट ऑप्शंस होते हैं आप उनको जो है कंसिडर कर सकते हो। इस प्रकार से जो है आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, 2 आपके जनरल टेस्ट और जो इंग्लिश वो तो कॉमन रहेगा, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट वाला होता है उसके अंदर आपको जो भी बेस्ट डिसाइड किया जाएगा, चाहे आपको बीवॉक, चाहे आपको इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स को, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो वो इस प्रकार से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कोर्सेज के लिए हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। तो इस सारी की सारी अपडेट के लिए आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, इस प्रकार से जो हम एडमिशन्स को लगातार आगे बढ़ाएंगे। एडमिशन 2022 के रिगार्डिंग लगातार बच्चों की क्वारी जा रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लगातार अपडेट कर रहा है, ठीक है, और आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह पर भी सारी की सारी अपडेट मिल जाएगी। admission.uod.ac.in ये जो है, और कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल को जो लिंक अभी एक्टिवेट हो चुका है, आप वहाँ पे जाके जो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट जो भी है CUET का करेक्शन विंडो वगैरह अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यार हर कॉलेजों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब बातों के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, थैंक यू।